Yeah.
है का
है काबे का दर तो क्या हुआ बिनते असद, घर का मालिक खुद बना लेगा नया दर। मालिक खुद बना लेगा नया दर बचा कर ले गए, खैर गुजरी एक ही पर बचा कर ले गए, वरना कट जाता वहा जिब्रील का पर दूसरा, वरना कट जाता वहा पर दूसरा, है जरी कोई अली सावर न सब दर दूसरा, कोई बतला दे मुझे दोनों जहां में बजुल अली, कोई बतला दे मुझे दोनों जहां में बजुल अली, आज तक पैदा हुआ काबे के अंदर दूसरा, पैदा हुआ काबे के अंदर दूसरा, बोले अकबर है मेरी रग में हुब्बे हैदरी, बोले अकबर है मेरी रग में हुब्बे हैदरी, टुकड़े दो उंगली से हो गरबा में खैबर दूसरा, दे मुझे दोनों जहां में बजुल अली, कोई बतला दे मुझे दोनों जहां में बजुल अली, आज तक पैदा हुआ काबे के अंदर सताया, जब को फिर
को नया जुल्मों दिखाया, बच्चों से भी गुर्बत में मुकर्रर ने छुड़ाया, बच्चों से भी गुर्बत में मुकर्रर ने छुड़ाया। जा मुस्लिम मजलूम की आफत में सर पे खड़ी थी, दुश्मन था जमाना तो अजल सर पे खड़ी थी, पहुंचे दर तो वापे बसत गिरिया उजारी, मुस्लिम को वहां प्यास की शिद्दत हुई तारी, देखा जो फिजा ने तो घबरा के पुकारी, कौन है बतला मुझे आशिक बारी, कौन है बतला मुझे आशिक बारी, वो बोला अल्लाह तुझे इसका सिला दे लिल्लाह, मुझे थोड़ा सा पानी तो पिला दे लिल्लाह, मुझे थोड़ा सा पानी तो पिला दे, ना करूं ने तो आने दिया पानी का एक जान, पी कर उसे ये कहने लगे मुस्लिम नाका, रहे दुनिया में तेरा ने खो अंजाम, वो बोली के बतला ये क्या का है नाम, वो बोली के बतला ये क्या का है नाम, फरमाने लगे मुझ पे बहुत रंजो महन है, अरे मुस्लिम है मेरा नाम मदीने में बदल है, मुस्लिम है मेरा नाम मदीने में बदल है, ये सुनते ही गिर्द के फिरी और पुकारी, सुनती हूँ के मखदूस फिजा कूफे मौजूद है मैं आपके बारी, वो जाऊंगी कुर्बान में लौटी वो तुम्हारी, वो जाऊंगी कुर्बान में लौटी वो तुम्हारी, जो कुछ भी मुसीबत है मैं उससे न डरूंगी, हसरत यही है खिदमत में करूंगी, हसरत यही आपकी खिदमत में करूंगी, फिर मुस्लिम मजलूम को वो हुजरे में आई, जन्नत से सदा फातिमा ज़हरा की आई, ऐ मोमिना ये है मेरे शब्बीर भाई, इसमें कसो मजलूम की दुश्मन है खुदाई, इसमें कसो मजलूम की दुश्मन है खुदाई, गुजरे में इसे तूने जो मेहमान किया है, वल्लाह बड़ा मुझ पे ये एहसान किया है, बड़ा मुझ पे ये एहसान किया है, फरजंद ने तौबा की खबर जब के ये पाई, दरबार में हाकिम को ये तबा सुनाई, मेरे ही घर में है शह का फिदाई, वो बोल
लागे मुस्लिम को यहाँ मौत है लाई, वो बोला के मुस्लिम को यहाँ मौत है लाई। देता हूँ तुम्हें हुक्म, किसी से ना डरो तुम, मुस्लिम को वहाँ जाके गिरफ्तार करो को वहां जाके गिरफ्तार करो तुम। नागा दरे तोवा पे पहुंचे सितमगा, कहने लगा तोवा से एक बदला हमें फौरन है कहा मुस्लिम लाचा, बोली के आगे ना कदम रखना खबरदार, वो बोली के आगे ना कदम रखना खबरदार। अल्लाह पैगंबर से नहीं डरते हो लोगों, मेहमान पे जो जुल्म सितम करते हो लोगों, मेहमान पे जो सितम करते हो लोगों, मुस्लिम ने सुनी मोमिन की जबके ये तकरीर, हथियार लगा कर चलाओ नाया पेशाबी, लश्कर के करीब आया जो वो बेकसो दिल की, कहने लगा ये फौज से एक जालिम बेबी, कहने लगा ये फौज से एक जालिम बेबी। हाँ तीरों से चलनी करो तुम इसके बदन को, अब कैद करो मुस्लिम आवारा बदन को, अब कैद करो मुस्लिम आवारा बदन को। अब आगे बयां करते हैं मुखबिर अखबार, हर सिमत से चलने लगे मजलूम पे तलवार, एक जालिम बेरहम ने खंजर से किया वार, लब कट के गिरे मुस्लिम मजलूम के एक बार, लब कट के गिरे मुस्लिम मजलूम के एक बार। दिन दा भी शकिश्ता हुआ हो गया जारी, तिवरा के गिरा खाक वो आशिक के बारी, तिवरा के गिरा खाक पे वो आशिक बारी। दरबार में लाए जो उन्हें करके गिरफ्तार, अल्लाह से कहने लगा कि जायसे कोठे न कर दे तू दिन हार, काट ले सर इसका तू खंजर से बस एक बार, काट ले सर इसका तू खंजर से बस एक बार। अब लाशाए मुस्लिम की तो खैर करो तुम, पाओ मेरा सन बांध के तशहीर करो तुम, मेरा सन बांध के तशहीर करो तुम। जब कूफियों ने कूफे Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
هي مبارکه الله سيد العالم سيد الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى صلى الله محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين وقدير نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الإمام المنتظر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال مولانا إمام الباقر عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على الخمس، الصلاة والزكاة والحج والولاية، ولم ينادي بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير. صدق مولانا إمام الباقر عليه الصلاة والسلام. پہلے بارگاہ رب العالمین میں حمد و ثنا ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد محمد اور آل محمد پر صلوات اور درود بھیجتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے لعن اور تبرہ دل و جان سے جاری رکھتے ہوئے ایام شہادت امام محمد باقر علیہ السلام اور جناب سفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے مناسبت سے بارگاہ امام زمان علیہ السلام اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو حقیقی موالیان اہل بیت علیہ السلام میں شامل رکھے اور ہماری موت اور حیات ان کی محبت میں سرشار فرمائے. مولا امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث شریف جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر: الصلاۃ، نماز، والزکات اور زکات، والحج، حج، والولایہ اور ولایت. اس کے بعد آپ فرمایا: ولم ینادی بشیئن ما نودی بالولایہ، اور ان پانچ میں سے سب سے زیادہ مہم اور ضروری وہ ولایت ہے، کیونکہ اس ولایت کی اعلان کے لیے خاص اہتمام ہوا ہے کہ جو باقی پانچ چار بنیاد ہے اس کے لیے اتنا اہتمام نہیں ہوا جتنا ولایت امیر المومنین کے لیے اہتمام کیا گیا. اعلان ولایت کے لیے یوم قدیر منتخب ہوا اور اتنا بڑا اہتمام کر کے ولایت کیا. عزیزان، محبین اہل بیت، عاشقان اہل بیت علیہ السلام، ہمارے پاس اور کیا چیز ہے؟ یہی سارے چیز ہمارے سب جتنے بھی
चाहे वो आपकी दुनियावी जिंदगी बताए, चाहे आखिरत की माश बताए, वो सब मुझे इधर अहले बैत हो, दस्तखान अहले बैत और इसी से हमें इज्जत मिलती है और इसी से हमें रिज़्क मिलती है, इसी से हमें जिंदगी मिलती है। हकीकतन आपकी खिदमत में एक अज़िया बयान करूं, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम अपने अस्हाब के साथ बैठे हुए मजलिस में बैठे हैं और ये हदीस में इस तरह बयान फरमाया गया है कि एकदम डिटेल बाय डिटेल, क्योंकि वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, मुख्तसर तौर पर यह है कि रावी कहते हैं कि हम सब बैठे हुए हैं, मौला भी बैठे हुए हैं, एक दफ़ा एक शख्स वारिद हुआ जो बुजुर्ग शख्स था और जैसे वारिद हुआ बावजू वारिद हुआ और यहाँ तक ये भी डिटेल बताए उसके हाथों से वजू के पानी टपकते हुए आप वारिद हो गए। सबसे पहले मौला की खिदमत में सलाम पेश किया, मौला ने जवाब दिया, पूरे जमा के लिए सलाम किया और जवाब दे दिया, फिर मौला से एक इजाज़त मांगी, मौला आपकी खिदमत में एक सवाल है कि आप इजाज़त दे देंगे हम पूछें आपसे, तो मौला ने फरमाया आप पूछो आपको इजाज़त है, तो आपने फरमाया ये अपना रसूलुल्लाह मुझे ये बता दिए मुझ में तीन खसूसियत है, तीन खसूसियत है, मुझे ये बता दिए तीन खसूसियत का मेरे लिए मुफीद होगा, क्या बाइस जन्नत होगा या नहीं होगा। इमाम ने फरमाया बता दो तो क्या खसूसियत आपने अपने साथ रखे हुए हैं। तो उस शख्स ने, उस बंदे ने इमाम से अर्ज किया कि अपने रसूलुल्लाह इन्नी उहिब्बुकुम व उहिब्बु मन उहिब्बु, मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, सबसे पहला चीज मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनसे भी मैं मोहब्बत करता हूँ, ठीक है जी, आपसे मोहब्बत करता हूँ, जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ। आप उसके बाद ये फरमाया ला लितमअन फिर दुनिया, मौला ये ना समझा ये दुनिया के लिए मैं कह रहा हूँ, मेरा अपने इज्जत बढ़ाने के लिए रहा हूँ, क्योंकि आजकल तो यही हो रहा है, नाम अहले बैत से भी अपने शोहरत अपने नाम कमाने के लिए नाम अहले बैत, यहाँ पर उसने बाकायदा बता दिया मौला ला लितमा दुनिया, मौला ये दुनिया की तमाम से नहीं आती, बता रहा हूँ अपने दिल से बता रहा हूँ, सच्चे मोहब्बत करता हूँ और जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनसे भी मैं मोहब्बत करता हूँ। फिर फरमाया दूसरा उसके बाद वो कौम वो गए तो अदूब क्योंकि मौला आपके दुश्मनों से भी मैं नफरत करता हूँ, और ये भी बताया मौला ये ना समझे कि मैं उनसे कोई जाती दुश्मनी रखता हूँ, ना क्योंकि आपके दुश्मन है इसलिए मैं उनसे अदावत रखता हूँ, उनसे दूरी इख्तियार करता हूँ, ये भाई एक मौला की खिदमत में बताया। दूसरा फिर आपने फरमाया दूसरा وَأُحِلُّ حَلَالَكُمْ और जो आपने हलाल किया हुआ है वो मेरे लिए हलाल है, وَأُحَرِّمُ حَرَامَكُمْ जो आपकी बारगाह से हराम हुआ वो मेरे लिए हराम है, यानी आपके हलाल शुदा मेरे लिए हलाल है, आपकी तरफ से हराम हुआ वो मेरे लिए हराम है, ये भी बहुत अजीम है कि आजकल तो लोग है ना खुद हलाल करने में जुटे हुए, भाई यार ऐसा नहीं यार कर लो कोई इतना गुनाह क्या हो जाएगा, ये भी बोलता है ना भाई हमारे जामे में ऐसा होता है इतना क्या गुनाह हो जाएगा, भाई भाई जब गुनाह गुनाह में शुमार किया गया तो गुनाह है, जब वो हलाल चीजें या मसलन ऐसे भी होता है कुछ लोग तो ठेकेदार भी होते हैं कि भाई तुम्हारे जन्नत में जमानत करता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ भाई तुम्हारा सवाब गुनाह का जो है वो जो इकाब जो है वो मैं ले लेता हूँ, ऐसा हुआ है हत्ता यहाँ तक कि एक तारीख में भी बयान कर रहे हैं कि इस तरह जो है तारीख में भी रोनुमा हुआ है, वो कैसा कि जब जंग उहुद में एक शख्स बंदा आ गया किसी के, उस टाइम पे भी मोमिन जो है ना एक तरफ से दिल में ईमान रखते थे, दूसरा तो बहुत सादा होता था, आजकल के जहाँ मोमिन है ना बहुत सारे बाज लोग हैं सादा होते हैं, कुछ चीज़
देखते नहीं भाई कहां से बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, बस बोलते हैं भाई वाह, ठीक है, जबरदस्त बोला। अब बताया किस लिए, क्या मकसद था उस ये बात बताने की और कहां तक पहुंचा सकते हैं, हमको ये नहीं समझते हैं। ठीक है, ऐसे उस टाइम पे हमको बहुत में कोई शख्स आया, यार तुम एक ऊंट की जो है, एक ऊंट दुनिया के माल और मता सामान जो है मुझे दे दो, तुम्हारे सब गुना मेरे ऊपर, जन्नत में मैं तुम्हारा जमानत करूंगा। ऐसा है क्या, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, तुम्हारा गुना मेरा मेरे ऊपर, अब सिर्फ तुम इतना जो है दे दो, मैं सब कबूल कर लूंगा। यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। अब आए ये कुरान नाजिल हुआ, ला तज़िरु वाज़िरतम विज़रा उख़्रा, आयत सरीहन बताया कि भाई कोई भी इंसान किसी दूसरे के गुनाह अपने गर्दन में नहीं लग सकते हैं, ले सकते हैं। क्यों, इसलिए कि वो कयामत के दिन ऐसा मंजर है जहां जो है बाप भी अपने बच्चे से फरार होता है, भाई अपने भाई से फरार होते हैं, वहां पर कोई किसी का जो है दोष नहीं ले सकते हैं। लिजा ये आपने फरमाया कि या रसूलल्लाह आपकी जो हलाल शुदा चीजें मेरे लिए हलाल और जो हराम है वो मेरे लिए, यानी कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अब तीसरा फरमाया मौला वंतदिरु अम्रुकुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बरादरान मुमिनीन, वंतदिरु अम्रुकुम मौला। और आखिरी बात ये है, आखिरी में खुसूसियत जो मुझ में है वो है, हम मुंतजर हैं आपकी हुकूमत, हम मुंतजर हैं आपके हुकूमत, यानी इंतजार फर्ज। अब मौला बताइए क्या मैं मुस्तहक बहेश हूं या नहीं, क्या मैं एक आपसे मोहब्बत करता हूं, आपसे आपसे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करता हूं, आपके दुश्मनों से बेजार रहता हूं, और जो आपने हलाल किए वो मेरे लिए हलाल, जो हराम किए वो मेरे लिए हराम, और आपकी हुकूमत के मुंतजर हूं। ये तीन खसूसियात क्या मैं राह नजात में हूँ, क्या जन्नत जन्नत के मुस्ताक हूँ या नहीं। मौला ने मुस्कुराया और फरमाया ए बंदे खुदा जरा और करीब आ, करीब बुलाया, हाथ उसके सीने पर लगा दिया, थोड़ा हाथ बता रहे कि कुछ देर तक आपने जो है उस बंदे के सीने पर हाथ रखा, फिर आपने फरमाया आजा मेरे पास बैठ। अब जब बैठ गया तो मौला ने फरमाया मेरे वालिद यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, यही सवाल आपकी बारगाह से भी हुआ था और मेरे बाबा ने जो जवाब दिया मैं तुम्हें बता दूंगा, वो जवाब क्या था, ये शख्स ने बता दिया कि देखो इसी का जवाब मेरे बाबा ने दे दिया है। बाबा ने क्या दे दिया है, फरमाया कि कयामत के दिन हम तुम्हारे साथी रहेंगे, हम साया रहेंगे, जब तुझे दुनिया से रुखसत होना है तो रसूलुल्लाह और अमीर अल-मोमिनीन और अहले बैत अतहार तुम्हारे साथ रहेंगे, तब तुम उस दुनिया से आखिरत की तरफ रवाना हो। और आपने फरमाया और कयामत के तुम कयामत के दिन कोई गम तुम्हारे चेहरे पर नहीं होगा, तुम्हारा दिल आराम सुकून से और तुम्हारा चेहरा जो है वो खानदान रहेंगे। उस बंदे ने फरमा मौला एक दफा और बताया, फिर मौला ने फिर दोबारा से फरमाया कि मेरे बाबा ने ये जवाब दिया है जो कोई शख्स हमसे मोहब्बत करे, हमारे दोस्तान से मोहब्बत करे, हमारे दुश्मनों से बेजारी इख्तियार करे, हमारे हलाल को हलाल समझे, हमारे हराम को हराम समझे और हमारे अमर और हुकूमत के मुंतजर रहे, उसको कयामत
قیامت کے دن ہمارے ساتھ محشور رہیں گے, ہم سایہ رہیں گے, ساتھ میں رہیں گے. اور جب اس دنیا سے اس دنیا میں رخصت ہونا ہے تو اہل بیت علیہ السلام ان کے ہمراہ رہیں گے, اور جب قیامت میں وہ محشور ہو جائیں گے تو اس کے دل میں کوئی غم دکھ نہ ہوگا اور اس کے چہرہ ہمیشہ خندان ہوں گے. اور یہ جھوم اٹھا اور اتنا خوش ہوا, پھر دوبارہ سلام مولا وہ جو ہاتھ رکھے تھے نا دوبارہ سے رکھ لیے. اب یہاں پر سارے آپ بتا رہے جتنے بھی ساتھ تھے وہ رونے لگے. اور یہ شخص کی ماجرا سنتے سنتے اور مولا کے کلام سنتے سنتے سب رو رہے تھے. پھر اس شخص نے اجازت مانگو چلے گیا, مولا بھی ساتھ میں ہے, مولا بھی ساتھ ساتھ میں ہے. پھر ہاتھ سینے سے لگایا, پھر رخصت جب کیا تو اصحاب شروع کر کے فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کو جنتی شخص اگر دیکھنا ہے تو کسی دیکھ لینا, یہ جنتی شخص, یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے عزیزا. لیکن اس کے راہ کو سمجھنا اور اس کے راہ کو سمجھانا اور ان کی معرفت حاصل کرنا سب سے یہ ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنا. کہ بھئی ہم جب معرفت حاصل کرتے ہیں تو محبت کس لیے ہے, مجلس کس لیے ہے, زیاد کس لیے ہے, نوحانی کس لیے ہے, مرزخانی کس لیے ہے, مجلس کس لیے برپا کرنا ہے, ان کی یاد کس لیے ہے. یہ جب ان سارے امپورٹنس ان سارے چیزوں کی معرفت اگر ہمارے ساتھ حاصل ہو جائے ہم سب کو تو یہ جنتی بخش کر. لیکن اگر صرف ان کے نام استفادہ کریں اور ان کے اہداف سے نہ آشنا رہے, ان کی معرفت حقیقت میں نہ ہو تو کوئی یعنی کوئی راہ نجات نہیں ہوں گے عزیزان محترم. لذا جو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مخصوصا ان ایام میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ایام, امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو باقر العلوم کہتے ہیں نا, علوم کو پھاڑنے والا, علوم کو کھولنے والا. جو کشتی جب دریا میں جاتا ہے پانی کو کس طرح کھول دیتے ہیں, تو علوم کو اس لیے باقر علوم کہا جاتا ہے کہ مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایام میں ہی یہ اسلام دوبارہ زندہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک بنی امیہ کی حکومت رہا تو آپ دیکھیے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا, پھر اس کے بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدت تھی, پھر اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا, اور اس کے بعد امام زین العابدین کو ہمیشہ جو ہے ان کو بندی میں رکھا, قید میں رکھا, اور بندشیں آئی تھی تا یہاں تک کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باتوں کو بھی لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے تھے. وہ دعا کے ذریعے لوگوں تک اپنے جو علوم کو نشر کر دیتے ہیں, یا تو اس طرح بھی تھا کہ آپ نے غلام لاتے تھے ان کو آزاد کر دیتے ہیں. ایک ایسا جو ہے خفیہ یونیورسٹی جو ہے آپ نے بنائے تھے. تو یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ دروس جو ہے بعض حقیقت جو حکمت عاملی ان کو بھی اپنانا چاہیے. بھائی خالی فضائل نہیں, جو حکمت عاملی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بھی اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نشر کیا اہل بیت کے علوم کو. لیکن جب بنی امیہ ختم ہویا, اب یہاں پر نیا تازہ شروع ہے بنی عباس کی حکومت, اور آپ سب جانتے ہیں جب کوئی نئی حکومت آ جاتے ہیں سب پہ نظر کرتے ہیں, سب پہ جو ہے بالکل ایک دم سے آرام رہتا ہے جب تک کہ وہ کھڑا ہو جائے, ان کی حکومت جو ہے پاور, پھر ان کے جو ہے حقیقی ذات کے سامنے آ جاتا ہے. تو اس ٹائم پہ بنی عباس کی تازہ شروعات تھی, تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی چھوٹ تھا, تو آپ نے سب سے پہلا سکول جو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کو نشر کرنے کے لیے کھول دیا. تو آج ہمارے پاس جتنے بھی قال الصادق اور قال الباقر جو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ایام سے ہیں, تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت جو آپ نے فرمایا, مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا ہمیشہ ذکر خدا سے غافل نہیں رہا. عزیزان ذکر خدا سے کبھی غافل نہ رہا. وہ جب چلتے تھے تو ذکر خدا میں, وہ جب دسترخوان پہ کھانے کے لیے تھا ذکر خدا میں, کسی سے بات کرتے تھا لیکن لبوں پہ جو ہے ذکر خدا جاری تحت تھا, یہاں تک کہ جب گھر پہ آ جاتا تھا جتنے بھی خاندان ہیں اہل خانے ان سب کو یہ بتاتا تھا, جن کو قرآن پڑھنا آتا تھے ان کو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بولتا تھا, اور جن کو نہیں آتے تھے ان کو ذکر خدا
कि मैं मशगूल रहने के लिए पढ़ता, ये भी हमारे यहाँ होना चाहिए भाई यार। जिनको बाज़ लोग कहते हैं मौलाना हमें तो कुरान पढ़ना आता नहीं, जिक्र तो अल्लाह अकबर तो पढ़ना आते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह तो बोलना आता है, सुभान अल्लाह तो बोलना आता है, ये जिक्र तो कर सकते हैं। तो ये जिक्र जो है मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की एक ख़ास खसूसियत थी कि आपने हमेशा अपने ज़बान पर जारी रखते थे। मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम और इबादत की मिसाल अगर देखा जाए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की इबादत तो यानी इबादत की जीनत तो है ही, इबादत की मुअर्रिफ भी है। यानी अगर किसी को इबादत की तारीफ जानना चाहते तो वो तो दर अहले बैत से ही मिलेगा कि कहीं और जगह पर नहीं मिलेगा कि इबादत क्या चीज़ है। बाज़ लोग हमें ये भी इल्ज़ाम लगाते थे कि भाई ये लोग जो है ना तौहीद से हट के हैं, इबादत से हट के हैं, किसी दूसरे के इबादत में मशगूल रहते हैं। नहीं बाबा, अगर हकीकत में इबादत जानना चाहते हो और हकीकत में तौहीद जानना है तो सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर की ओर जगह। तो लिजा इमाम बाकर की ये नमूना जो है इबादत की आपको बताता हूँ। आप मक्के में आप तशरीफ़ फरमाते और मक्के में जब खाने खुदा के बारगाह में था इमाम अलैहिस्सलाम आ गए, जैसे खाने काबा के मुकाबले में आ गए तो आप इतना रोए, इतना रोए, आवाज़ बुलंद करके और लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। तो कोई आपके ख़ास जो साहिब था आपके कान में कहते हैं मौला, लोग आपको देख रहे हैं, थोड़ा आराम से रो। तो आपने इस तरफ ना वही हक यानी तुम पर वही हो, अरे लोग मुझे रह देख रहे हैं, देखने दो, मुझे तो अल्लाह की नज़र की रहमत की तलाश में हो, किस तरह वो मुझे देखे, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि लोग मुझे देखने ना देखे, मैं अपने रब से ये इल्तिजा कर रहा हूँ, तजर्रो कर रहा हूँ, फरियाद कर रहा हूँ कि वो मुझे रहमत की एक नज़र देखे, मुझे लोगों से निगाह, लोगों के निगाह से क्या लेना देना है। तो बहुत सारे ऐसा अमल हो जाता है, ऐसा अमल खैर, ऐसा नीक काम जो है हमसे छूट जाते हैं, इसलिए बोलते हैं यार लोग क्या कहेंगे। ये भी हमारे जिंदगी में है, बहुत से ऐसे नीक काम होते हैं लेकिन बीच में आ जाते हैं लोग क्या कहेंगे। लोग कहने दे, तुम्हारे काम अगर खैर है उसकी तरफ बढ़ना है, तुम्हारे काम जो है लिल्लाह ही है उसकी तरफ जाना ही है। अब लोगों की नजर को नहीं देखना बल्कि अल्लाह की नजर को देखना। तो ये इमाम अलैहिस्सलाम की एक जो नमूना जो है इबादत में आपकी खिदमत में बयान किया। और इमाम हजरत मुस्लिम इब्न अकील यहाँ जो उनकी शब शहादत हैं, अल्लाह के करोड़ों सलाम दुरूद उसके वाह मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खास सफ़ीर। और आपकी शख्सियत भी ऐसे शख्सियत हैं, एक शख्सियत नमूना कहा जाता है, बेनज़ीर नमूना। हकीकी मवालियान जो हैं मौला के चाहने वाले के अगर आप तलाश कर रहे हैं, नमूने आमल ढूंढना है, तो देखिए एक मुस्लिम इब्न अकील, दूसरा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, मौला की किस तरह आपने इताअत, किस तरह आपने पैरवी, और जो करबला में सबसे बुजुर्ग सहाबी है उसकी जो है नमूने अमल है। जनाब मुस्लिम का बताऊं, जनाब मुस्लिम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ की है। इसकी शख्सियत के मौला अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह बता दीजिए आप अकील से मोहब्बत रखते हो। आपने फरमा हाँ, दो जहत से मैं अकील को बहुत मोहब्बत करता हूँ, दो जहत से। एक, अकील को इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि अबू तालिब ने उसको मोहब्बत, अबू तालिब की वजह से। दूसरा, वो खुद की वजह से मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, खुद की वजह से। मौला ने अर्ज किया कि या रसूल खुद की वजह से, कि साहब ने फरमाया ए अली तुम नहीं जानते हो
कि अकील के एक फर्जंद है जो तेरे फर्जंद की राह में अपना खून नजराना पेश करेगा, तेरी फर्जंद के दिफा में शहीद हो जाएगा। और ये जो है आपने ये तारीफ उनके लिए बता दिया। और जनाब मुस्लिम ऐसा ही शख्स है कि आप जब मौला ने हुक्म दिया कूफे में जाओ, अब बगैर चूने चरा कूफे में आए, अब उसके बाद जो आपके साथ सलूक हुआ कि मेहमान है बुला के लाए हैं, जबरदस्ती नहीं है, 12,000 आए बुला के लाए, और उसके बाद आपसे बेअत किया जिम्मे पे के हाथ में हाथ डाल के बेअत किया, वादा किया कि मुस्लिम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर ये हुआ कि जब दुनिया के डर, दुनिया के महशत और दुनिया की माल और मनाल की लालच जब पड़ गए, तो अल्लाह की वली और हुज्जत की नाइब को छोड़ दिया और ऐसे हालत तन्हाई और अकेले अब रह गया। ये भी बात है कि क्या जनाब मुस्लिम वहाँ से नहीं आ सकते थे, कूफे से आप इधर करना भी पड़ता था, कहाँ नहीं आ सकते थे, आ सकते थे, लेकिन मौला के हुक्म था ए मुस्लिम आप जो है कूफे में जाना है और वहाँ रुकना है, वहाँ रुकता है जब तक कि हम न गए, तो मौला के हुक्म है, मौला के हुक्म को तामील करना है किसी सूरत में, चाहे वो अपना जान दे दे, लेकिन हुक्म मौला है, आप उस पर पाबंद रहना। अज़ीज़ाना मौलाना यही हुक्म को तामील करते हुए जनाब मुस्लिम कूफे में बस अज़ीज़ाना अल्लाह ताला इंशाल्लाह बस ये, क्योंकि तवस्सुल है ना, तवस्सुल हमेशा क्या होता है कि हम जब अल्लाह की बारगाह में कुछ सवाल करना है, तो मांगना है, तो ऐसा मांगना चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश करना है कि अल्लाह मैं एक ऐसा बंदा हूँ। अपना इंसान खुद से खुद मालूमात रखते हैं कि कितना क्या हैसियत रखता है, तो अल्लाह के बारगाह में जब कुछ चीज मांगना है तो अदर अहले बैत पे इसीलिए तो आते हैं कि मांगने के लिए। अब अल्लाह के बारगाह में कहना है पाक परवरदिगार मैं तो आज तेरे बारगाह में मांगने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे तो कोई हैसियत ही नहीं। अब जब हैसियत ही नहीं तो कोई हैसियत वाले की तलाश करना है, उस हैसियत वाले की तवस्सुल करना है, उसको शफी करार देना है, इसलिए कि या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह, उनकी जो चेहरा है, उनकी जो तवस्सुलात वो बारगाह खुदा में काबिल कबूल है। इसीलिए हमें ये जहन में रखना चाहिए अल्लाह मेरा कोई हैसियत नहीं, आज आया हूँ जनाब मुस्लिम की हैसियत तेरे बारगाह से। आपने सुना है ना हदीस में कि सबसे जल्दी जो दुआ कबूल होते हैं एक यतीम के दुआ कबूल, यतीम जो है फरियाद करे बारगाह खुदा फौरन को, और कोई मजलूम हुआ पे हो जालिम के जुल्म के घेरे में हो वो दुआ रस्म दुआ बुलंद करे कबूल होते हैं। और वो शख्स जो परदेश में गुर्बत में हो वो जब दुआ करते कहते हैं कि उसकी दुआ कबूल होती है। आज देखिए जनाब मुस्लिम यतीम, जनाब मुस्लिम परदेश में है, गुर्बत में है, जनाब मुस्लिम मजलूम है, ये तीनों खुसूसियत जनाब मुस्लिम में है कि आप दुआ करो या अल्लाह तूने इन्हें ऐसे शख्सियात की दुआ कबूल करते हैं, या अल्लाह आज जनाब मुस्लिम के सदके में हमारा दुआ इंशाल्लाह जरूर कबूल हो जाएंगे। आप जनाब मुस्लिम जब कूफे में ऐसा अकेले में जब अकेला रहा, हर तरफ से देखा कि मस्जिद से जैसे बाहर आए देखे दाएं तरफ देखा कोई नजर नहीं, पीछे मुड़ के देखा कोई नजर नहीं। अब गली कूचे से जब गुजरते थे हाय वाह गुरबता
देखते हैं कि कोई दरवाजा बंद कर रहा है, किसी की खिड़की पे नजर जाता तो वो खिड़की बंद कर देते हैं। हम ये आलम आलम गुरबत है, गली कोचों से गुजरता हुआ एक दीवार पर टिक्के देके बैठा है, बैठ गया थकावट दूर हो जाए, बैठ गया। अब यहाँ पर एक मोमिना है तो अब ये कोफे के हालात से बाखबर है, वो अपने बेटे की फिक्र में है, वो बार बार बाहर आके देखते हैं। एक दफा तो दरवाजा खोल के देखा, देखा एक शख्स जो है वो दीवार पर तिकिया देके बैठा है, ज्यादा मुतवज्जे नहीं हुआ, दरवाजा बंद करके चले गए। फिर दोबारा जब आ गया देखा वहीं पर बैठे हो, कहने लगा ए शख्स ए बंदे खुदा तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, हालात की खबर नहीं है क्या, फौरन यहाँ से चले जाओ। अब फिर दोबारा जब आ गया तो देखा यहीं पर बैठे हुए हैं जनाब मुस्लिम, कहने लगा ए बंदे खुदा क्यों यहाँ बैठे हो। फिर आपने एक ऐसा जुमला बताया कि शायद दिल मुस्लिम को जला दिया, कहने लगा उस औरत ने बंदे खुदा क्या ये हालत, ऐसे हालत है शायद तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो गए तुम्हारे लिए, तुम उनकी फिक्र करके यहाँ से उठ के चले जाओ। जनाब मुस्लिम ने अपने जबान खोल दिया, या अल्लाह है खुदा के बंदे जरा अगर हो सके तो मुझे एक पानी पिला दीजिए। आपने फौरन अंदर चले गए और पानी पिलाया और पानी पी गया, जनाब मुस्लिम ने हमद किया, फिर बैठा। उस औरत ने कहा मैं तुझे इल्तिजा करता हूँ, यहाँ हालत खराब है, तुम्हारे बाल बच्चे होंगे वो परेशान होंगे और हमारे लिए कोई खतरा है, तुम चले जाओ। कहने लगा ए मोमिना मैं कैसे जाऊँ, यहाँ तो मेरा कोई नहीं है। कहने लगा तुम कौन हो गरीब ऐसे, कहने लगा मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम काफिर हूँ। कैसा मुस्लिम काफिर के नाम सुना, उस औरत ने अहले बैत की चाहने वाली थी, आपने कहा क्या तुम हुसैन के नायब तो ना हो। कहने लगा हाँ मैं हुसैन के नायब हूँ, हुसैन के सबीर हूँ, लेकिन यहाँ लोगों ने मुझे मेरे साथ वफा नहीं किया। लेकिन जब उसके बच्चे आ गए मालूम हो गया तो दरबार में उसने खबर दे दिया, खबर देकर सारे जो है दुश्मनों ने हमला किया, जनाब मुस्लिम पर हमला किया और जनाब मुस्लिम ने खूब लड़ा, यहाँ तक कि दुश्मन जो है वो नाकाम हो गए। जब नाकाम तरह तरह के आपने जो है जनाब मुस्लिम के साथ बहुत सारे जो है खुदा किया, उनके सामने जो खड्डा खोदा गया, यानी इतना लोग बता रहे थे जब जनाब मुस्लिम जख्मी हो गए तो छतों पर बैठ के जो जो हाथ मारते थे वो जनाब मुस्लिम पर गए थे, पत्थर हाथ में आ गया, पानी आ गया। आप देखिए इन्होंने किस तरह जनाब मुस्लिम को धोखा दे दिया, जनाब मुस्लिम को इसकी उनको अमन हम दे देंगे तो जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करके ले गया। गिरफ्तार करके ले गया, जब दरबार में पहुंच गया तो जनाब मुस्लिम ने सर को नीचे दिया, कोई सलाम कोई कलाम नहीं। फौरन एक मलगून ने कहा कि आज तुम्हारे सामने अमीर बैठे तुम सलाम क्यों नहीं करते, कहने लगा मेरे एक अमीर वो मेरा हुसैन, किसी और अमीर के सामने सर नहीं करता और उसको सलाम नहीं करता, मेरा अमीर अमीर हुसैन वो हुसैन है मेरा अमीर और कोई अमीर नहीं। तो गुस्सा आ गया तो उनके जनाब मुस्लिम के सुकून आ रहे थे, फौरन उसको एक जो है धक्का मार के पीछे धकेल देकर कहने लगा उनको ले जाओ और सलम का सर कलम कर दो। जनाब मुस्लिम को लाते हैं दारुल इमारत के छत पर और जब देखा जनाब मुस्लिम ने कि अब जो है आखिरी वक्त आ गया है तो कुछ दरखास्त की, एक दरखास्त पानी की, आखिरी वक्त है पानी की, जैसे जर्ब जो है पानी के आग नजदीक आ गया, दांत जनाब मुस्लिम के जख्मी खून टपक गया, पानी पानी फेंक दिया, दोबारा से तलब की, दोबारा फेंक दिया तीसरी बार और कहने लगा कि मेरे नसीब में शायद पानी नहीं लिखा है, मुझे पानी नहीं चाहिए, बस अपना वसीयत
तो बता दिया, वसीयत बता दिया, और लाखने का वसीयत ये भी था कि जरा एक वसीयत तो सबसे जरूरी है, वो ये है कि मेरे मौला से कह देना कि वो उनको मेरे खत भेजा था, मौला यहाँ पर सब दे बेअद करके आपकी मुंतजर है, मेरे मौला को खबर देना कि यहाँ कोई बेअद नहीं किया है, बेवफाई हुआ है, मेरे मौला कूफे की तरफ ना आ जाए। सर कलम होने से पहले जनाब मुस्लिम ने एक सलाम दे दिया। कहते हैं दो रिवायत है, एक रिवायत में कहता है मदीने की तरफ रुक गया और फरमाने लगा या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, ए मेरे नाना रसूल आप पर सलाम हो, मैंने तेरे दीन पर कायम होकर तेरे दीन बचाने की कोशिश किया। और एक रिवायत में ये है कि आपने एक तरफ रुख किया और जहाँ पर मौला हुसैन थे आपने कहा सलाम अलैक या अबा अब्दुल्लाह। सीन ये था कि मौला हुसैन ने तो जवाब देना है जनाब मुस्लिम के। बस अजीजान मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम भी रावी है ना, शाहिद है मसाइब करबला के। अब उस टाइम पे 4-5 साल की उम्र में थे जनाब इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, सारे दुख दर्द आपने सहा, यहाँ तक कि नंगे पाँव चलना भी आपने सहा, रस्सियाँ बांधे आपने सहा। अब यहाँ पर जनाब मुस्लिम शहीद हो गए, खबर कहाँ पहुँच गए, रास्ते में मौला हुसैन तक पहुँच गए हैं, और मौला हुसैन ने क्या किया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद जनाब मुस्लिम की बच्ची को बुलाया, जरा मुस्लिम की बच्ची को मेरे पास ला, आपने अपने जानू पर बच्ची को बिठाया, सर पर रखा, और बच्ची समझ गई कि फरमाया चचा जान बाबा की कुछ खबर आई क्या। हम सब पर पड़े और जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हम सब आगे हो जाए। अब यहाँ ये बात, ये जो नजारा है वो इमाम हुसैन की बच्ची ने भी देख रही है ना, देख रहे हैं कि बाबा ने बच्ची को सर अपने जानू पर बिठाया, सर पे हाथ रखा। एक वक्त ऐसा भी आ गया जब असर आशूर था, मौला हुसैन अपने जुलजना पर सवार है, अब जुलजना अपने जगह से नहीं हिल रहा है। अब मौला ने जब नीचे नजर डाली तो देखा जुलजना के पाँव को एक बच्ची ने पकड़ लिखी है, जनाब जनाब रुपया ने पकड़ के रखी है, बाबा को इशारा करते हैं बाबा अब एक दफा नीचे तो आ जाइए। अब बाबा नीचे आ गया, अब फरमाए मेरे जान बताओ क्या बात है। बाबा तुझे पता है जब रास्ते में आ रहे थे मुस्लिम की जब शहीद की खबर आई, आपने उनकी बेटी को अपने बगल में बिठाए थे, बाबा चचा चले गए वापस ना आया, भैया अकबर चले गए वापस ना आया, कासिम चले गए वापस ना आया, बाबा हम जा रहे हो वापस नहीं आएगा, बाबा अपने जानू पर मुझे बिठा दो, और मेरे सर पर यतीम का हाथ लगा। जनाब हुसैन ने बच्ची को अपने जानू पर बिठाया, सर पर हाथ रख के बोसा लगा दिया, और आखिर आशीजान जनाब मुस्लिम ने एक सलाम भेजी थी ना, एक सलाम भेजे थे मौला हुसैन ने, अभी जवाब नहीं दिया, अब जवाब दे रहे हैं। देखिए जनाब मुस्लिम से कितना चाहत रखते हैं जनाब मौला हुसैन, असर आशूर है, आखिरी वद, मौला हुसैन जमीन करबला पे गिरा हुआ है। एक दफा कानों में आवाज आ गया, हुसैन चले गए, अब अपने रुखे बगा की तरफ मौला हुसैन औरत खड़े हो गए अपने सामने के सामने, फरियाद बुलंद की, या मुस्लिम अपना खेल, या हानि अपना उर्वा, ए
سے کئی اصحاب کے نام بلند کے مسلم ابن عقیل کہا ہو, اے مسلم ابن عقیل کہا ہو, اب تو جواب دو میرے لیے نہیں, یہ لوگ میرے حرم کی طرف نظر رکھے ہوئے, بچا لیا. بچے ہیں میرے صغیر
फकीर रंजो आलम से असीर कोई नहीं पूछता तो मुसाफिर हूँ मैं कोई नहीं पूछता तो मुसाफिर हूँ मैं कहते थे मुस्लिम सदा तो मुसाफिर हूँ मैं कहते थे मुस्लिम सदा तो मुसाफिर हूँ मैं काजी के घर में छुपे दोनों मेरे लाडले काजी के घर में छुपे मेरे लाडले काजी के घर में छुपे दोनों मेरे लाडले काजी के घर में छुपे दोनों मेरे लाडले हो गए मुझसे जुदा तो मुसाफिर हूँ मैं हो गए मुझसे जुदा तो मुसाफिर हूँ मैं ते मुस्लिम सदा तो मुसाफिर हूँ मैं दो चार शेर पढ़ना बहुत ज्यादा लिखा सुबराने खत में चाहने वाले मेरे बाबा 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 अकेला यूं किसी बीमार को छोड़ा नहीं जाता लिखा सुबराने खत में चाहने वाले मेरे बाबा लिखा सुबराने खत में चाहने वाले मेरे बाबा गए हैं आप जब से आप सबकी याद आती है गए हैं आप जब से आप सबकी याद आती है मुझे हर पल रुलाती है मुझे हर पल रुलाती है किसी बीमार का आठों पहर रोना नहीं आता लिखा सुबराने खत में चाहने वाले मेरे बाबा सुबराने खत में चाहने वाले मेरे बाबा कहा था जल्द वापस आऊंगा या फिर बुला लूंगा कहा था जल्द वापस आऊंगा या फिर बुला लूंगा अली अकबर को भेजूंगा अली अकबर को भेजूंगा किसी दुखिया से वादा करके यूं तोड़ा नहीं जाता लिखा सुबराने खत में चाहने वाले मेरे बाबा लिखा सुबराने खत में चाहने वाले मेरे बाबा हर रोज हुजरे को सजाती हूँ इसी उम्मीद में हर रोज हुजरे को सजाती हूँ मुसल्ले को बिछाती हूँ मुसल्ले को बिछाती हूँ कि वापस लौट के अब जल्द आ जाए मेरा कुनबा लिखा सुबराने खत में चाहने वाले मेरे बाबा लिखा सुबराने खत में चाहने वाले मेरे बाबा अकेला यूं किसी बीमार को नहीं
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء السلام عليك يا مريض الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس السلام عليك يا أبا الحسن السلطان علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأصل والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قاطع البرهان السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها وبإمام زماننا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره پاک پروردگار اس قلیل توسل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما پاک پروردگار ہمارا تعزیت و تعزیت کو بارگاہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف میں تقدیم فرما پاک پروردگار ہمارے اس توسل سے جناب بی بی دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو راضی فرما پاک پروردگار اس توسل کے واسطے سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما حاجتوں کو برابر بخیر فرما پروردگارا بیماروں کو شفائے عاجل عطا فرما اور پروردگار جو بھی
इस वबाए बीमारी जो कोरोना है उसमें गिरफ्तार उन सबको बेहक पंच तरह पाक शफाया आजिल नसीब फरमा। परवरदिगार हम सबको आसमान और जमीन की बलाओं से महफूज फरमा। पाक परवरदिगार हम सबको इन तमाम बीमारियों से पाक परवरदिगारा निजात फरमा। पाक परवरदिगारा हक़े मौला ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे हर हाजत मंद जो यहाँ बैठे हुए मजलिस में बैठे हुए जो मोमिनीन तमाम से दुआ करें उन तमाम लोगों की हाजत उनको बराबर से बख़ैर फरमा। पाक परवरदिगारा कारोबार और रिज़्क में बरकत अता फरमा। पाक परवरदिगारा गिरफ्तारियों से निजात फरमा। पाक परवरदिगारा इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आला और अंसार में शामिल फरमा। पाक परवरदिगारा हम सबको इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आला और अंसार में शामिल हम सब की आदबत को खत्म बखेर फरमा। المؤمنات وإلام والحاضرين ومن مات الإيمان نحدي سلام الفاتحة الحمد لله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير استقبل كي امام زمان کے بارگاہ میں ہمارا امام زمان کی سلامتی کی دعا پر امام زمان کی خدمت میں پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك Hello.